बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू स्टोरी टेलर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। यहूदियों की पुरसरार तारीख। यहूदी अकायद में बिगाड़ पैदा करने, बदअनवानी, अखलाकी तंजली, फहाशी, दानश्वराना बेजाबतगियों जैसे जराइम के मुर्तकिब हैं। इसी वजह से लोग अपनी सरजमीन में यहूदियों के वजूद की मौजूदगी को कबूल नहीं करते थे और उनको मुल्क बदर करने का मुतालबा करते थे। इसी तनाजर में आज हम दुनिया से यहूदियों की बेदखली का जायजा लेंगे। साल 1253 में यहूदियों को कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर फ्रांसीसी सरजमीन से बेदखल कर दिया गया और फिर यूरोप से ज़बरदस्ती इनखला शुरू हुआ। साल 1305 में इंग्लैंड ने एडवर्ड अवल के दौर में यहूदियों को बेदखल कर दिया। साल 1348 में जर्मनी के सूबे साक्सोनिया की मलका जर्मेनिया ने यहूदियों को बेदखल किया। फिर उन्हें हंगरी ने साल 1360 में और साल 1370 में बेल्जियम ने बेदखल कर दिया। स्लोवाकिया ने साल 1380 में, ऑस्ट्रिया ने साल 1420 में और नीदरलैंड ने 1444 में मुल्क बदर किया और आखिरकार स्पेन से 1492, जो कि अंडलस के खात्मे की तारीख है। उसके बाद बदअनवान यहूदियों के खिलाफ यूरोप में तूफान बदस्तूर जारी रहा और लथवानिया ने भी साल 1495 में उनको दफा कर दिया। फिर पुर्तगाल ने साल 1498 में, इटली ने साल 1540 में उन्हें बेदखल कर दिया। यूरोपी ममालक की जानब से बेदखली पर यहूदी दरबदर होते हुए वापस उन ममालक की जानब चले गए जहां से उन्हें बेदखल किया गया था। चुनांचे वो एक बार फिर साल 1600 में इंग्लैंड वापस आए, साल 1500 में हंगरी में वापस आए, लेकिन उन्हें 1852 में एक बार फिर बेदखल कर दिया गया। साल 1700 में लथवानिया वापस आ गए। फिर 1652 में वो स्लोवाकिया लौट गए, लेकिन 1744 में उन्हें फिर से बेदखल कर दिया गया। यह तारीखी अदाद व शुमार हमें बताते हैं कि यूरोप की तरफ से यहूदियों की बेदखली और उनका यूं दरबदर होना उनकी बदअनवानियों, मकारियों और साजिशों की वजह से हुआ। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि यूरोप ने यहूदियों की साजिशों और जराइम से निजात हासिल करने के वास्ते उन्हें अंबिया की सरजमीन यानी फलस्तीन की जानब धकेला और एक आलमी साजिश के तहत बरतानिया और उसके हम नवाओं की कोशिशों से दुनिया बिलखसूस यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से मुतासब यहूदियों को फलस्तीन की सरजमीन पर बसाया गया। सहयूनियों ने इस सरजमीन पर आते ही वहां के मुकामी फलस्तीनी बाशिंदों को किनारे लगा दिया और आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीनियों पर जुल्म सितम इस सतह पर पहुंच गया कि फलस्तीनियों को अपने ही मुल्क में तीसरे दर्जे का शहरी बनना पड़ा या मजबूर होकर उन्हें तर्क वतन करना पड़ा। इसके अलावा मुसलमानों के किबला अव्वल पर गासिबाना कब्जा कर लिया। यहूदियों ने फलस्तीनियों के साथ वही किया जो उनके साथ यूरोप ने किया था। यह कानून कुदरत है कि जब जुल्म इंतहा से बढ़ जाए तो हालात अपना रुख बदल देते हैं और मजलूमों की चीखों पुकार जालमों के इक्तदार का सूरज गुरूब होने का बायस बन जाती है। यहूदी वो कौम है जिसके मुतालक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहूदी शैतान हैं। जिस मुल्क में भी यहूदी गए वहां उन्होंने फसाद बर्पा किया, वहां की हुकूमतों को तोड़ा, वहां के मुल्की हालात में खाना जंगी शुरू कर दी। इसलिए हर मुल्क ने उन्हें अपने मुल्क से दरबदर किया, मगर बरतानिया और उसके हमनवाओं की साजिशों से उन्हें फलस्तीन में बसाया गया, जो कि तारीख की एक बहुत बड़ी साजिश थी।